राम राम, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और आज हम चर्चा करेंगे अंगूर के पौधे पर आने वाली एंथ्रेक्नोज बीमारी की। अब बारिश का महीना आ चुका है और हमारे यहाँ पर भी और शायद आपके उधर भी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही होगी। अंगूर में ज़्यादा वर्षा होने पर काफ़ी सारी बीमारियों का अटैक होता है, जिनमें एक प्रमुख बीमारी है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि पत्ते और टहनियों पर चिड़ियों की आँख, जैसे चिड़िए की आँख होती हैं, उस प्रकार के धब्बे आ जाते हैं और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है, यानी हमारी जो फल टहनी है वो सूख जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक छोटी सी टहनी है जिस पर काले रंग के धब्बे हैं। दोस्तों, यही एंथ्रेक्नोज है। अधिक प्रकोप होने पर दोस्तों इस प्रकार से टहनियाँ मरने लगती हैं और अधिक प्रकोप होने पर जब हम कटिंग करते हैं पौधे की, प्रूनिंग करते हैं, तो ये शाखाएं, प्रूनिंग करने वाली शाखाएं नहीं होती, वो सब मरी हुई होती हैं। दोस्तों, इस बीमारी को रोका जा सकता है। बारिश होने पर, अधिक वर्षा होने पर आप कोई भी फंगिसाइड का स्प्रे करें, अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो आप COC 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पौधे पर छिड़काव कर सकते हैं। आपके पौधों को जरूर फायदा मिलेगा। ये छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर दोहराएं।